स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल कवर किया था, और इस क्लास में हम राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको कवर करने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति टॉपिक से पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद या आर्टिकल। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल, चूँकि हमें पता है 52 से आर्टिकल 52 से 78 तक किसके हैं आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। आर्टिकल 52 इसमें ये क्या कहता है, ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये याद रखिएगा आर्टिकल, अगर आपसे पूछा जाता है भारत का राष्ट्रपति किसमें है तो वो है आर्टिकल 52, इस आर्टिकल में है। इसके अलावा 52 के बाद है 53, वो है जो इम्पॉर्टेंट है, वो कहता है कार्यपालिका की जितनी भी मतलब संघ कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये है आर्टिकल 53 के बाद जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 61, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, वो है महाभियोग, जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है महाभियोग। ये आती है आर्टिकल 61 के अंतर्गत। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 जब राष्ट्रपति का पद किसी भी वजह से रिक्त हो जाता है, या तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनको निष्कासित कर दिया जाता है या वो रिज़ाइन दे देते हैं, तो ये आर्टिकल जो उनकी रिक्ति से संबंधित आर्टिकल है वो आता है 62 में। आर्टिकल 63 ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना किसका, उपराष्ट्रपति का, यानी कि अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है किसी कारणवश वो अनुपस्थित हैं तो उपराष्ट्रपति एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति वो जो वर्क करते हैं वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करते हैं, आर्टिकल 63। आर्टिकल 72 क्या कहता है, क्षमादान की शक्तियाँ हैं सारी किसकी, राष्ट्रपति की, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, 61 भी पढ़ा था उसमें हमने जो महाभियोग और 72 जो हमने क्षमादान की शक्तियाँ पढ़ी थी, प्राविलंबन, परिहार, लघुकरण, क्षमा, ये सारी तो हमने उसमें ये कवर किया था। आर्टिकल 74 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना, यानी कि मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर हैं जो सरकार का मुखिया होता है, कौन होता है सरकार का मुखिया, वो होता है प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद को का राष्ट्रपति को परामर्श, यानी कि अगर राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का परामर्श या सहयोग की आवश्यकता है तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो कराती है मंत्रिपरिषद। तो ये मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी होगी। तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये कहता है 74। अगर आपको पूछता है कि महान्यायवादी यानी कि जो हमारे होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो वो है आर्टिकल 76। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आर्टिकल 76, कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे 61 है महाभियोग, क्षमादान की शक्तियाँ हैं, 76 है महान्यायवादी, एक है आपका 70, इसके अलावा इससे 74 एक और आर्टिकल है 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, क्या कहता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आपको पता भी होगा कि जब मंत्रिपरिषद या जो सरकार है वो जब अपना विश्वास खो देती है यानी बहुमत जब खो देती है तो उस टाइम पर उसको क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है लोकसभा से। तो ये जो कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 75। आर्टिकल 78 देखते हैं, 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व, यानी कि ये प्रधानमंत्री का दायित्व है जो भी सेंटर में या जो भी पूरे देश में जो भी आपके क्रियाकलाप चल रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज़ से राष्ट्रपति को अवगत कराना ये किसका दायित्व है, ये है प्रधानमंत्री का, और ये किस में है, आर्टिकल 78 में। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल 85, वो क्या कहता है, जैसे जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, संसद का सत्र का आवाहन करते हैं, उसका सत्रावसान करते हैं कोई भी अगर, और इसके अलावा जैसे अगर आपको भंग करना हो लोकसभा को या राज्यसभा तो भंग होती नहीं है, संसद को भंग, तो उस टाइम पर भी आपका क्या होता है, आर्टिकल 85, मतलब आर्टिकल 85 के अंतर्गत ये सभी काम राष्ट्रपति को
दिए गए हैं, ठीक है, ये उनकी पावर है आर्टिकल 85 के अंदर। वो सत्रावसान कर सकते हैं, सत्र को आहूत कर सकते हैं और भंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल इम्पॉर्टेंट 111, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जो रिलेटेड था वीटो पावर से, और या इसको आप, इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा है संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो उस टाइम पर जो, और राष्ट्रपति के पास क्या होता है, और राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है पारित होने के बाद दोनों सदनों से, तो राष्ट्रपति के पास तीन मतलब उनके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उसको स्वीकार कर लें, स्वीकार यदि कर लेंगे तो वो बिल बन जाएगा, मतलब वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है, और अधिनियम बन जाएगा, और या फिर वो उसको अस्वीकार कर दें, दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है, या वो उसको अस्वीकार कर दें, अगर वो उसको अस्वीकार कर देते हैं तो वो रद्द हो जाएगा, और तीसरा उनके पास जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि वो अपने पास उसको सुरक्षित रख सकते हैं। अब वो सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो पावर हमने देखी थी, एक हमने सस्पेंशन वीटो पावर देखी थी जिसको हमने लंबनकारी वीटो बोलते हैं, और एक हमने पॉकेट वीटो पावर देखी थी लास्ट क्लास में। तो ये जो उनकी पावर है, मतलब विधेयकों पर अनुमति देने की पावर, ये आर्टिकल 111 में आती हैं। उसके अलावा हमने ऑर्डिनेंस भी देखा था कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो कौन से बिल में करते हैं, तो वो है आर्टिकल 123, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस का है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो पूछा जाता है, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति को किसी भी, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति यदि किसी भी मामले में किसी भी तरीके से वो ये उनको ये आवश्यक लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की उनको सलाह लेना चाहिए इस मामले में, तो वो ये जो शक्ति है उनकी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की जो उनकी शक्ति है वो उनको मिली है आर्टिकल 143 से। तो ये कुछ इन्हीं सारे जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं, इन्हीं में से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में से आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसमें भी कुछ तो ये है रिपीटेटिव, मतलब बार बार आपको एग्जाम्स में देखोगे आप। एक है आर्टिकल 61 महाभियोग, एक है आर्टिकल 72 जो कि है क्षमादान का, एक है आर्टिकल 76 महान्यायवादी, एक है आर्टिकल वीटो पावर का 111, ऑर्डिनेंस 123, और राष्ट्रपति की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति जो कि है आर्टिकल 143। तो ये कुछ, ये जो 5-6 आर्टिकल मैंने आपको बताया, ये तो मतलब बार बार हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा और जो आर्टिकल हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो भी एग्जाम्स में पूछे जाते रहे, जैसे 52 हमने बताया भारत का राष्ट्रपति, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 62 हमने बताया राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए उससे संबंधित है, 63 में हमने बताया कि उपराष्ट्रपति एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति वो वहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, 74 और 75 हमने बताया था कि जो पूरा मंत्रिपरिषद है वो किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे जो राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं, आपको इन्हें ज़रूर ध्यान रखना है, याद रख लेना है। इसके अलावा जो राज्यपाल से बहुत ज़्यादा आर्टिकल नहीं पूछे जाते लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ देख लेते हैं। राज्यपाल से पहला आर्टिकल ये आपको पता होना चाहिए, नियुक्ति, आर्टिकल 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है। 155 के बाद जो राज्यपाल में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 160, कौन सा है, आर्टिकल 160, ये क्या कहता है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, यानी कि ये आर्टिकल आपसे ये बोलता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई इमरजेंसी ऐसी घटना है या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है तो राज्यपाल के जगह पर, और राज्यपाल सपोज है नहीं, वही जैसे हमने उसमें बताया था कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति की जगह कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो, ऐसे ही अगर राज्यपाल अनुपस्थित हैं किसी कारणवश तो उनके केस में कौन करेंगे, अगर सपोज गवर्नर नहीं है तो डिप्टी गवर्नर का तो कोई पद होता नहीं है तो कौन करेंगे, जो चीफ जस्टिस हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश ऑफ हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के
हाई कोर्ट वो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो करेंगे, यदि चीफ जस्टिस भी नहीं है हाई कोर्ट के तो कौन करेगा, तो जो सीनियर मोस्ट जज है जज हैं सो हाई कोर्ट के वो करेंगे, ठीक है इनके करते। तो ये किस में आता है, ये है आर्टिकल 160 में। इसके अलावा जैसे हमने उधर देखा था कि क्षमादान की शक्ति किस में थी, आर्टिकल 72 में, तो जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है वो है आर्टिकल 161 में, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। और क्षमादान की शक्ति सारी ही राज्यपाल की राष्ट्रपति की तरह है, एक्सेप्ट मृत्युदंड और जो सैन्य अदालतों द्वारा जो दंड दिया जाता है उनको छोड़कर, क्योंकि ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते और जो कोर्ट मार्शल वगैरह जो किया जाता है या दिया जाता है उसमें जो सज़ा दी जाती है उनको नहीं कर सकते। इसके अलावा एक है आर्टिकल 162, ये क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये आर्टिकल 162 कहता है। तो ये राज्यपाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 161, क्षमादान की शक्ति और राज्यपाल की नियुक्ति 155, और अगर राज्यपाल नहीं है तो उनके केस में कौन उनके कृत्यों का निर्वहन करेगा, आर्टिकल 160। अब ये तो आपको सभी को पता होंगे कि वर्तमान राष्ट्रपति हमारे कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी, और वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी। इसके अलावा जो दो तीन इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स रह गए हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 42nd, देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह जो होती है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ये याद रखिएगा। लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा नहीं होता है, यानी कि जो भी जैसे प्रधानमंत्री की जो पूरी काउंसिल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो उनके सारे मंत्रियों के द्वारा बनी होती है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ये आपसे देखिए क्वेश्चन ये ऐसे करके पूछा जा सकता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। तो कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। लेकिन गवर्नर के लिए ये केस नहीं है। गवर्नर के लिए क्यों नहीं, गवर्नर के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है स्टेट की, ठीक है, उनके लिए ये बाध्यकारी नहीं है गवर्नर के लिए। अब बात करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, ये क्या कहता है कि पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, उसके बाद दी गई सलाह मानने के लिए प्रेसिडेंट बाद, मतलब इससे पहले क्या था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ था कि जो भी विधेयक या जो भी बिल प्रेसिडेंट के पास लाए जाते थे तो उनको क्या करना पड़ता था, उसको साइन करना पड़ता था कि मतलब वो बाध्यकारी थे। लेकिन जब ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गया तो उससे ये सिस्टम कर दिया गया या ये नियम बना दिया गया कि वो यानी कि जो राष्ट्रपति हैं जो भी उनके पास विधेयक आया है वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, वो कह सकते हैं, वो दोनों सदनों के पास उस विधेयक को यदि वो समझें तो वो ये कह सकते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, इनके जो भी इसके मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ये चीज़ें चेंज कीजिए, तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन यदि जो दोनों सदनों में से कोई भी सदन यदि उसको उसमें से कुछ संशोधन करके या फिर बिना संशोधन के उसको दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो उस केस में राष्ट्रपति को दी गई सलाह, जो राष्ट्रपति हैं वो दी गई सलाह उनके लिए बाध्यकारी होगी, मतलब उनको मानना ही पड़ेगा और उनको साइन करने पड़ेंगे उस विधेयक पर। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था, ये था आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जो विवेकाधीन शक्तियाँ जैसे राष्ट्रपति की और राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें मूल संविधान की, जो संविधान जब लिखा गया था उस टाइम पर, तो मूल संविधान में राज्यपाल के लिए तो ये कल्पना की गई थी कि वो विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसी कोई कल्पना राष्ट्रपति के लिए नहीं की गई थी कि वो उनकी कोई विवेकाधीन शक्तियाँ होंगी या फिर उनका वो प्रयोग करेंगे। लेकिन होता है, करते हैं राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग, कहाँ करते हैं, जैसे सपोज़ आपका जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो आपका लोकसभा होती है वो जब अपना विश्वास खो देती है, बहुमत खो देती है, तो उस टाइम पर क्या करते हैं राष्ट्रपति, विघटन कर देते हैं लोकसभा का, ठीक है। इसके अलावा अगर सरकार का कोई मुखिया नहीं होता है या फिर सरकार खुद अपने आप से मतलब प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे कोई नाम नॉमिनेट नहीं करती है तो वो क्या करते हैं, वो खुद से, तो ये विवेकाधीन शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। तो ये आप चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा।
और जो पहली क्लास है और ये वाली जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स से रिलेटेड है, इसको आप ज़रूर 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 देख के जाइएगा। हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।